ललन सिंह की हो गई छुट्टी, नीतीश कुमार ने संभाल लिया तीसरी बार जदयू का कमान। क्या नीतीश चाहते हैं पार्टी में अपना एक छत्र राज? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों पड़ी अध्यक्ष बदलने की जरूरत? खरमास के बाद होने वाला है जदयू में बड़ा बदलाव, शुरुआत साल के अंत से हो गई। ललन सिंह ने इस्तीफे के बाद कहा नहीं टूटेगी जदयू, मगर भाजपा ने कहा ललन सिंह बेइज्जती से बाहर हो गए। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो गया है। सत्तासीन जदयू ने एकाएक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया है। इस समय लोकसभा चुनाव पर फोकस करने में लगा रही है पॉलिटिकल पार्टीज, मगर जदयू को क्यों पड़ गई अध्यक्ष बदलने की जरूरत? बता दें कल दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष होंगे। ललन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं और नीतीश कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। जानकारी हो नीतीश कुमार तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वो 2016 और 2019 में पार्टी अध्यक्ष बने थे। अब एक बार दोबारा उन्होंने कमान संभाला है। इधर भाजपा ने इस बदलाव को लेकर ललन सिंह पर तंज कस दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, ललन सिंह की विदाई बहुत बेइज्जती से हुई है, इससे अच्छा तो पहले ही इस्तीफा दे देते। दुनिया के सामने अपनी फजीहत करवाई ललन सिंह ने। ललन सिंह के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। बता दें ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के नाम पर अध्यक्ष पद से दूरी बनाई। उनका कहना है लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें देश भर में घूमना होगा, जिससे समय का अभाव होगा। हालांकि ये लोगों की समझ से बाहर है। नीतीश कुमार ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए ये पद संभाला है। ललन सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी नजदीकी राजद से अधिक हो गई है, इसी वजह से उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। वहीं खरमास के बाद जदयू में बड़े बदलाव होने की बात कही जा रही है। हालांकि ललन सिंह ने भी कहा है जदयू नहीं टूटेगी। उधर नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने को लेकर बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने कहा, बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं ये इकरारनामा क्या मीडिया में दे दे, अब इस जवाब का मतलब जनता ही निकाले। जहां तक बात रही खरमास के बाद में बदलाव की, तो देखना दिलचस्प होगा जदयू में क्या नया मोड़ आता है। जैसे उड़ती खबर है कि तेजस्वी के हाथों में प्रदेश की कमान जाएगी, इस मामले में फिलहाल शांति नजर आ रही है। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष बनने पर तेजस्वी यादव ने भी उन्हें बधाई दी है। तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, सभी कार्यकर्ता उन्हें चाहते हैं, वो फिर से अध्यक्ष बने हैं तो अच्छी बात है। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपनी एकजुटता पर भी बात रखी और कहा, हम सब एकजुट हैं, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर काम करेगी, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब आने वाला समय बताएगा नीतीश और जदयू का राजनीति में भविष्य।